हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, देखिए आज हम अपने छोटे बाल गोपाल यानी 7 नंबर के बाल गोपाल जी के लिए अपनी ड्रेस बनाकर लाए हैं। ये देखिए कॉटन की ड्रेस हमने बनाई है, बिना किसी झंझट के, बिना बुकरम के, बहुत ही आसान तरीके से, बिना अस्तर के ये ड्रेस हमने बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ड्रेस हमने कैसे बनाई, और ये ड्रेस हमने 7 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बनाई है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए कॉटन की ड्रेस बनाने वाले हैं। ये देखिए ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये येलो कलर का कॉटन का कपड़ा लिया है, प्लेन कपड़ा है। ये देखिए इसकी लेंथ दिखाते हैं, इसकी लेंथ यहाँ पर हमने 41 इंच ली है, ये देखिए। और इसकी विड्थ देखिए यहाँ पर 6.5 इंच। तो ये तो हमारा ये येलो कपड़ा हो गया। ये देखिए हमने दूसरा कपड़ा लिया है, दो तरह का हमने कपड़ा लिया है, एक प्लेन और एक ये लाइनिंग वाला। ये भी सिंपल कॉटन है, इसकी हम दिखाएंगे लंबाई और चौड़ाई। ये देखिए यहाँ पर इसकी हमें फ्रिल डालनी है, ये देखिए 60 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। और चौड़ाई देखिए इस तरह की हमने दो पट्टियाँ ले ली हैं सेम, जो देखिए सवा 2 इंच इसकी चौड़ाई है। तो दो तरह की हमने पट्टियाँ ली है। तो चलिए ड्रेस बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस साइड रखा है और कम वाला हमने ऊपर ले रखा है। कम या ज़्यादा हमने इसको फोल्ड किया है, नीचे वाले से देखिए 1.25 इंच, नीचे वाला ऊपर वाले से ज़्यादा है 1.25 इंच। और फिर इसको हमने फोल्ड किया है, तो ये देखिए इस तरह से इसकी दो तह यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पर ये देखिए ये जो है यहाँ पर इस पर एक सिलाई लगा देंगे। वैसे तो हमने यहाँ से इसको कट नहीं किया है, लेकिन एक सिलाई लगा देंगे ताकि इसके जब हम प्लेट्स डालेंगे तो एक कम ज़्यादा ना हो, इक्वल रहे। तो हम दिखाते हैं इसकी सिलाई लगा कर। देखिए इसमें हम सिलाई लगाते हैं। कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाएंगे। देखिए इसको हमने इस पर एक सिलाई लगा दी है ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये कपड़ा हमारा सेट हो गया है। अब इस पर देखिए हमें प्लेट्स भरनी है। देखिए इस कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर ये देखिए जो सीधा है इसको हमने ऊपर की साइड लिया है, और उल्टा है तो ये देखिए उल्टा हमने इसमें अंदर की साइड लिया है। तो यहाँ पर अब हम प्लेट्स भरेंगे ऊपर वाली, जो ये वाला कपड़ा है ऊपर वाला, इस पर हम सबसे पहले प्लेट्स भर लेते हैं। देखिए कपड़े को हमने इस तरह से खोल लिया है, इसको हमने फैला लिया है। अब यहाँ पर इसमें प्लेट्स हम डालते हैं। इस तरह से डालेंगे, देखिए इस तरह से डालकर कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसमें हमने फ्रिल डाल ली है, ये देखिए। अब यहाँ पर इसको दबाते हुए हम एक सिलाई मार देते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इसको सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं। इस तरह से इसको सिल लेते हैं। देखिए एक फ्रिल इसमें हम डाल चुके हैं, ये रेडी हो गई है। अब इसमें एक फ्रिल और डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये फ्रिल डाली सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर डाल लेते हैं, और डालने के बाद फिर दिखाएंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे, ऐसे ऐसे फ्रिल डालनी है, और फिर इसको हम इस साइड देखिए पलट लेंगे। ये देखिए फ्रिल इसमें हमने डाल दी है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे, और ये देखिए बताएंगे कि हमने यहाँ पर एक पट्टी एक्स्ट्रा और कट की है। इसकी जो लंबाई है वो देखिए 9.5 इंच है, और चौड़ाई है इसकी 2.25 इंच। इसका हमें नेफा बनाना है, और इसमें प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए जो इसको दोनों साइड से पहले हम फोल्ड कर लेते हैं। हमें ये तैयार चाहिए 8.5 इंच, तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे।
इसकी जो लंबाई है हमें 8 इंच दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद इसको रखनी है। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इसमें हम प्लेट्स डाल लेते हैं, जो ये नेफे की स्ट्रिप है इसको ले लेते हैं, और ये देखिए जो सीधा है इसको हमने ऊपर की साइड रखा है, और ये वाला भी जो घेर है सीधा इसको हमने ऊपर की साइड रखा है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, देखिए इस तरह से डाल लेते हैं, उसको सीलने के बाद फिर दिखाएंगे। देखिए इसको हमने सील लिया है, प्लेट्स इसमें हमने डाल ली है। अब इसके जो है नेफे वाला कपड़ा है इसको देखिए इस तरह से दो बार हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड, सॉरी बाहर की साइड, ये देखिए अंदर की साइड से बाहर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ये नेफा इसका हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और ये देखिए साइड पर जो यहाँ पर ये देखिए किनारी है, हमने इसको यहाँ से नहीं सिला है। अगर आपने कपड़ा यहाँ से कट किया है और किनारी नहीं है, तो आप नेफा लगाने से पहले इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, दोनों को एक साथ करके इस तरह से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। हमने इसको फोल्ड नहीं किया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए ये तो बन गई है, अब इसकी हम चोली बना लेते हैं। देखिए येलो कलर की हमने इसकी एक और स्ट्रिप कट की है, इससे हम चोली बनाएंगे। और ये देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच, और चौड़ाई दिखाते हैं, देखिए 2.5 इंच। तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पर एक इसकी सिलाई लगा लेते हैं, देखिए लगाने के बाद फिर दिखाएंगे, सिलाई लगा लेते हैं इस पर। वैसे इसको हम सिल लेते हैं। देखिए इस पर हमने सिलाई लगा दी थी, और इसको हमने देखिए सीधा कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, और दोनों को देखिए हाफ करके कट कर देंगे। तो हमारी 2 स्ट्रिप तैयार हो गई है चोली बनाने के लिए। देखिए जो 2 स्ट्रिप हमने कट की है इनको ले लेंगे, और इस तरह से देखिए क्रॉस करके यहाँ से इस तरह से ले लेनी है, क्रॉस करके इसको हमने रखा है, और यहाँ से इस पर हम ये देखिए सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम इस चोली को घेरे के साथ अटैच कर देंगे, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले घेरे को, और यहाँ पर देखिए मार्क कर लेंगे चौक से इस तरह से, और यहाँ पर हमें चोली इसकी अटैच कर देनी है यहाँ से, देखिए। और सिलाई हमें इस पर नीचे की साइड लगानी है जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगा के रखी है, क्योंकि हमें नेफे में इसमें डोरी भी डालनी होती है, फिर हमारी डोरी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से रखेंगे, और हमें सिलाई का ध्यान रखना है कि सिलाई पर ही सिलाई करें। तो इसको सील लेते हैं। चोली को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है, और यहाँ पर इसमें हमने डोरी भी डाल दी है। ये तो हो गई है रेडी। अब हम कैप बनाते हैं। कैप बनाने के लिए हमने यहाँ 2 स्ट्रिप काट ली है इसकी। एक तो हमने देखिए ये 13.5 इंच लंबी है, और 2.5 इंच ये चौड़ी है, ये देख सकते हैं आप 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और एक ये छोटी स्ट्रिप हमने काटी है, 5 इंच इसकी लंबाई है, और 2 इंच इसकी चौड़ाई है, ये देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम ये वाला कपड़ा लेंगे, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये उल्टा हम अंदर की साइड लेंगे, और सीधा बाहर की साइड रखकर इस पर हम प्लेट्स डाल देंगे। देखिए इसमें हम प्लेट्स डाल लेते हैं, और प्लेट्स डालने के बाद फिर दिखाएंगे, इस तरह से डाल लेंगे। देखिए प्लेट्स हमें इसमें इस तरह से डालनी है, ये देखिए जो ये कपड़ा है इसमें इस तरह से डालेंगे, ताकि जो 5 इंच इसकी लंबाई है इस पर ये सेट हो जाए। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हमें कट करना पड़ेगा। अगर आप सारी की प्लेट्स भर सकते हैं तो आप मोटी मोटी इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। देखिए अब इसको जो हमने फ्रिल डाली है, और ये जो दूसरी स्ट्रिप है इसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से, इस पर भी हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए इसको हमने इसके साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए जो सीधा है इसको हम अंदर की साइड लेकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और एक सिलाई हम यहाँ पर इसकी लगा देंगे
इस तरह से लगा देते हैं, सिलाई फिर दिखाएंगे। ये अब हमने निडल में धागा डाल लिया है डबल करके, और यहाँ से ऊपर से हम इसको निडल से सुई से देखे सील देंगे। लंबे लंबे हमें टाके लगा लेने हैं इस तरह से। और इसको हम खींच देंगे ताकि ये जो पूरा कपड़ा है एक साथ बीच में, ये देखिए एक साथ आ जाए। और इसको इस तरह से कई बार धागा घुमाकर इसको पक्का कर देंगे, और यहाँ पर फिर नोट लगाते हुए धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू जी की कैप भी बनकर रेडी है। चलिए अब इनको हम पहना कर दिखाते हैं। देखिए अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बड़े प्यार के साथ हम अपने लड्डू बाबू को ड्रेस पहनाएंगे। देखिए इस तरह से, और जितना भी जो ये पट्टी है एक्स्ट्रा, इनको हम पीछे की साइड अटैच इस तरह से सेट करके, और ये डोरी इसमें हम बांध देंगे। इस तरह से हम डोरी को आगे की साइड को घुमाकर दोबारा से फिर बांध देंगे, इससे बड़ी अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से बांधने से। देखिए पीछे की साइड फिर से ले जाकर इनको बांध देंगे। देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है फ्रेंड्स, और बिना बुकरम के, बिना किसी झंझट के, बिल्कुल सिंपल कॉटन के कपड़े के साथ। और ये देखिए आप भी बना सकते हैं इस तरह से। इनकी कैप भी पहनाएंगे, इनके कंगन भी पहनाएंगे। ये देखिए कि इनके कंगन इनको पहना देते हैं, इनको हम पूरा रेडी कर देते हैं, इनकी बांसुरी इन्हें देंगे। और ये देखिए बहुत ही प्रसन्न है हमारे गोपाल जी, देखिए मुस्कुराते हुए। बहुत ही प्यारी ये ड्रेस लगी है फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाएं और अपने साथ नंबर ठाकुर जी को पहनाएं। देखिए कितनी प्यारी ये ड्रेस है, बिना किसी झंझट के ये ड्रेस हमने अपने सात नंबर बाल गोपाल जी के लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में किसी नई ड्रेस के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।